आखिरकार आज प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे, लेकिन जैसे ही एमसीडी का चुनाव खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी का वादा झूठा साबित हो गया है और उन्होंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा दिया है। कालका जी में नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप पे नोटिस लग गया है, मेहरौली में नोटिस लग गया है, छतरपुर में नोटिस लग गया है, तुगलकाबाद में बुलडोजर चलने का नोटिस लग गया है। तो ये साफ है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो किस तरीके से झुग्गी वासियों का साथ देगी, क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होने देंगे। बिल्कुल, हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। हमने डीडीए को लीगल नोटिस भेज दिया है, जरूरत होगी तो हम कोर्ट में जाएंगे, जरूरत होगी तो संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, जरूरत होगी तो इसी तरह से सड़कों पर बैठे रहेंगे जब तक डीडीए अपने ये नोटिस वापस नहीं लेती है। लेकिन डीडीए का कहना है कि हमने जो नोटिस जारी किया है वो हमने शिफ्ट करने के लिए कहा है कि हम नरेला शिफ्ट कर देंगे, हम उनको उजाड़ने से पहले उनको कहीं ना कहीं बसाएंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आप मेहरौली का नोटिस देखिए, मेहरौली के नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 10 दिन के अंदर बुलडोजर चल जाएगा। तो ये तो साफ है कि एक एक करके झुग्गियां साफ करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है।